This is your lecture number 8 for class 1. Subject is English grammar and the chapter is 4. The name of the chapter is common and proper noun. तो इस लेक्चर में लेक्चर 8 में हमारा टॉपिक क्या है आज का? कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. लेकिन हम लेक्चर 8 में क्या पढ़ेंगे? पहले प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद प्रॉपर नाउन. गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 4 फॉर क्लास 1. इसके पहले मैंने आपको नाउन पढ़ाया, उसमें मैंने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी है. फिर से आज मैं इसको आपको समझाती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नाउन? नाउन क्या है आप लोगों को पता होगा सबको. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं. वो किसी का भी नाम हुआ, किसी जगह का नाम हुआ, किसी जानवर का नाम हुआ, किसी कोई थिंग मतलब किसी सामान का नाम हुआ, तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? नाउन में आती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका है जैसे गर्ल. गर्ल क्या है? मतलब गर्ल में कोई भी लड़की हो सकती है, उसका कोई नाम हो सकता है. डॉग, डॉग भी क्या है? वो हमारा एनिमल है. गर्ल हमारा क्या है? पर्सन है. दिल्ली, दिल्ली क्या है? प्लेस का नाम है, तो ये भी हमारा नाउन है. टेबल, ये किसी थिंग का नाम है, ये भी हमारा नाउन है. तो ये सारी चीज़ें हमारे गर्ल, डॉग, दिल्ली, टेबल आर नाउन. ओके, अब हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं. प्रॉपर नाउन आर स्पेसिफिक नेम्स फॉर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. प्रॉपर नाउन क्या होता है? वो किसी व्यक्ति, किसी जानवर, किसी स्थान या किसी जगह का नाम या किसी सामान का नाम, कोई एक स्पेशल नेम होता है, कोई स्पेसिफिक नेम होता है. जैसे आपका भी एक स्पेशल नेम, आपका स्पेसिफिक नेम रखा गया है, आप लोगों का कुछ नाम होगा, ठीक है. तो किसी भी नाउन का मतलब किसी भी जो भी नाउन होगा, जो भी संज्ञा होगी, अगर उसका कोई स्पेसिफिक नेम है या स्पेशल नेम है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है. दे ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स. वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं. एग्जाम्पल में देखिए, जनवरी. जनवरी क्या है? जनवरी एक मंथ का स्पेशल नेम है, ठीक है. हर महीने को तो हम जनवरी बोल नहीं सकते हैं ना कि फरवरी को हम जनवरी बोलेंगे, नहीं ना. तो ये फर्स्ट हमारा मंथ होता है, उसका नाम क्या है? जनवरी है. ये मंथ का एक स्पेशल नेम है. फ्रेंच, ये किसी लैंग्वेज का नाम है. तो जैसे आपका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, इंग्लिश में तो हम मतलब हिंदी की बात करेंगे, तो हिंदी में तो हम इंग्लिश का यूज़ करेंगे नहीं ना. हिंदी में हम इंग्लिश तो बोलेंगे नहीं, इंग्लिश में हम हिंदी बोलेंगे नहीं, फ्रेंच में हम इंग्लिश या हिंदी का यूज़ तो करेंगे नहीं. तो मतलब जो लैंग्वेज है उनका अपना अपना बोलने का अपना लैंग्वेज होता है, अपना तरीका होता है. इंग्लिश इंग्लिश मतलब इंग्लिश में बोलेंगे, फ्रेंच मतलब वो फ्रेंच की लैंग्वेज होती है. तो ये भी किसी लैंग्वेज का स्पेशल नेम है, तो ये हमारा किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा. देन है अमेरिका. ये किसी जगह का स्पेशल नेम है. अमेरिका किसी जगह का एक स्पेशल नेम है, इसलिए हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है. देन जॉनी. ये किसी पर्सन का स्पेशल नेम है, इसलिए हमारा क्या है? ये प्रॉपर नाउन है. तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर या किसी भी स्थान या जगह का नाम होगा, तो वो हमारा अगर उनका वो स्पेशल नेम होगा, स्पेसिफिक नेम होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन. स्पेशल नेम्स गिवन टू अ. अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं कि किसके किसके स्पेशल नेम्स जैसे होते हैं. जैसे पेट हो गया, पेट की बात हम कर रहे हैं. तो अगर आपके पास डॉग है, तो अपने डॉग का नाम, अपने मतलब डॉग को डॉग करके तो बुलाओगे नहीं ना, उसका एक नाम रखोगे, उसका स्पेशल नेम रखोगे, जो आपको अच्छा लगेगा उसका आप एक नाम रखोगे. जैसे आपने उसका नाम टॉमी रख दिया, रॉकी रख दिया, टाइगर रख दिया, तो वो उसका एक स्पेसिफिक नेम है, ठीक है. प्लेस, किसी जगह का नाम. जैसे हम कहाँ रहते हैं? प्रयागराज में रहते हैं, और अभी हम कहाँ हैं? नैनी में रहते हैं, है ना. तो ये जगह का एक क्या है? एक स्पेशल नेम है. सब जगह का अलग अलग नाम है. ऐसा तो है नहीं कि नैनी, हम इलाहाबाद में चले गए तो इलाहाबाद को हम नैनी बोलेंगे, है ना, ऐसा तो बोलेंगे नहीं. डेज, जैसे आपके 7 days हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो सबका अलग अलग नाम है, तो डेज का भी एक स्पेशल नेम है. मंथ, जैसे जैन टू आपका दिसंबर तक, सभी मंथ्स के अलग अलग नेम है, वो भी मंथ्स के भी स्पेसिफिक नेम है. ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूट, किसी भी संस्थान का भी अलग नाम है. जैसे आप जहाँ पे पढ़ते हो, आपके स्कूल का नाम क्या है? आरआरबी कॉन्वेंट स्कूल,
तो ये आपके कॉलेज, आपके स्कूल का नाम है, उसका एक स्पेसिफिक नेम है एक्सेट्रा। तो आप अगर पेट्स के स्पेशल नेम, प्लेस के स्पेशल नेम, या डेज के, मंथ्स के, ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशल नेम आपको दिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रॉपर नाउन। आई होप आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि अगर किसी किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का अगर कोई भी स्पेसिफिक नेम होता है तो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। सो किड्स, अब आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा आप उसको सॉल्व करिए, बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।